नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रभु दर्शन करें में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रभु दर्शन करें में। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास और हम किस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, दीपावली का पर्व बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुका है और दिवाली का त्योहार विशेष रूप से धन की देवी महालक्ष्मी जी को समर्पित होता है। ऐसी मान्यता है कि आपने दिवाली पर महालक्ष्मी जी को प्रसन्न कर लिया, आपको धन की कोई कमी नहीं होगी। वहीं इस दिन पूरे विधि विधान से महालक्ष्मी जी की पूजा करने से व्यक्ति को कई गुना आशीर्वाद की प्राप्ति होती है और स्वयं देवी लक्ष्मी जी उसके अपने घर में दस्तक देती है। वहीं दोस्तों, दिवाली पर वरदान देने का काफी अधिक महत्व होता है, लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें दिवाली पर भूल कर भी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन चीजों के नाम से महालक्ष्मी जी हमेशा के लिए रुष्ट हो जाएंगी और फिर कभी देवी लक्ष्मी जी आपके घर में वास नहीं करेगी। आइए दोस्तों, जानते हैं वे कौन सी खास चीजें। दोस्तों, वो चीज जो दिवाली पर हमें भूल कर भी किसी को नहीं देनी चाहिए, दोस्तों वो है झाड़ू। जी हाँ, दिवाली के दिन झाड़ू का दान बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि झाड़ू को महालक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है और अगर आप झाड़ू का दान करते हैं तो आप महालक्ष्मी जी को अपने आप से दूर कर रहे हैं। इसलिए भूल कर भी दिवाली के दिन झाड़ू का दान ना करें, हो सके तो दिवाली पर नई झाड़ू अवश्य ही खरीदें। यही दोस्तों, दिवाली के दिन गणेश व लक्ष्मी जी का विशेष महत्व माना गया है। दिवाली के दिन गलती से भी भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी की मूर्ति किसी को भी दान में ना दें, क्योंकि ऐसा करने से घर की लक्ष्मी के साथ आपकी सुख और शांति भी दूसरे व्यक्ति के पास चली जाती है, यानी कि आप अपने घर की लक्ष्मी किसी अन्य को दे रहे हैं। इन खास बातों का आपको ध्यान रखना है और दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके।